आज के समय में हमारी दुनिया में कई सारे महान डॉक्टर्स मौजूद हैं। ये डॉक्टर ऐसे ही नहीं बने, बल्कि कई सारे रिसर्च और कड़ी मेहनत के बाद आज हमारी मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हुई है। 18वीं से 20वीं शताब्दी के बीच कई सारे ऐसे डॉक्टर रहे हैं जिन्होंने कई अलग अलग तरह के और कई अजीब अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट किए, जिनके बाद आज हमारे मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की हुई है। इन साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट ऐसे ऐसे थे जिनके बारे में शायद कभी हम सोच भी नहीं सकते। साल 1944 में मार्शल सेल्टन नाम के एक डॉक्टर मौजूद थे जो अपने देश और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। एक बार मार्शल ने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ पैम्पलेट्स छपवाए और शहर भर में बांट दिए, और इन पैम्पलेट्स पर कुछ बच्चों के फोटोज भी छपी हुई थी जिसमें बच्चों के हाथ में खाली प्लेटें थी और बच्चे काफी दिन से भूखे थे। पैम्पलेट पर मार्शल ने लिखवाया था कि कुछ भूखे लोगों को भोजन मिल सके, क्या ऐसा करने के लिए आप भूखे रहेंगे? असल में मार्शल एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे जिसके लिए उन्हें कुछ हेल्दी लोगों की जरूरत थी। इस समय यूरोप और सोवियत यूनियन में कई सारे ऐसे लोग थे जो भुखमरी की वजह से मर रहे थे। मार्शल का ये फार्मूला काम करने लगा और लगभग 200 लोग यहाँ इस एक्सपेरिमेंट के लिए आ गए, जिसमें से कुल 36 लोगों को ही सिलेक्ट किया गया। इनमें 36 लोगों पर पूरे 3 महीने तक मार्शल ने एक्सपेरिमेंट किया। इस अजीब एक्सपेरिमेंट में इन लोगों को दिन में 2 बार खाना दिया जाता था और इस खाने में गोभी, शलजम, आधा गिलास दूध शामिल था, और अगले दिन इन लोगों को केवल ब्रेड और बीन्स ही खाने के लिए दिए जाते थे। मार्शल का कहना था कि जो लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं उन्हें मीट खाने के लिए नहीं मिलता होगा, और जिन लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था उन्हें दिन में 18 से भी कम कैलोरीज दी जाती थी, और फिर उन्हें एक हफ्ते में 22 मील की दौड़ लगानी होती थी ताकि कैलोरीज बर्न हो सके। यह एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा टफ था, इसलिए इसमें से कई सारे लोग ऐसे थे जो बीच में ही इस एक्सपेरिमेंट को छोड़कर चले गए, और थोड़े टाइम बाद बाकी के लोगों का वेट 25% तक कम हो गया। इसके अलावा इनमें से कुछ लोगों को एनीमिया हो गया। लोग अब पूरी तरह सूखना शुरू हो गए थे। रिसर्च के बाद पता चला कि इन लोगों को ठीक होने में महीनों और सालों का समय लगेगा, और इस एक्सपेरिमेंट के जरिए एक बुक जिसका नाम मैन एंड हंगर था, उसमें बताया गया कि किस तरह हम भुखमरी से तड़पने वाले लोगों की मदद कर सकते हैं। ऐसे लोगों को शोर वाली जगह से दूर रहना चाहिए। साल 1840 के आसपास हमारे डॉक्टर काफी अच्छी तरह सर्जरी करना सीख चुके थे, लेकिन उस वक्त हमारे डॉक्टरों के पास एनेस्थीसिया मौजूद नहीं था, और एनेस्थीसिया न होने की वजह से डॉक्टर पेशेंट को बेहोश नहीं कर पाते थे, और जिस वक्त ऑपरेशन किया जाता था मरीज अपने पूरे होशो हवास में होता था, जिस वजह से मरीज को काफी ज्यादा दर्द महसूस होता था और मरीज दर्द की वजह से चिल्ला रहे होते थे। इस वक्त डॉक्टर को ऑपरेशन जल्दी से जल्दी पूरा करना होता था, क्योंकि दर्द न सहन कर पाने की वजह से मरीज की हार्ट बीट रुकने का खतरा भी बना रहता था, इसलिए ज्यादातर सर्जरीज कुछ मिनट के अंदर ही पूरी की जाती थी। ये वह समय था जब ऑपरेशन किए जाने वाले पेशेंट में 4 में से 1 की मौत दर्द की वजह से हो जाया करती थी। इसके अलावा हमारे इतिहास में और आज भी कई सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे किए जा रहे हैं जिसके जरिए डॉक्टर मरे हुए लोगों को जिंदा कर सके, लेकिन आज तक कोई भी इस एक्सपेरिमेंट में सफल नहीं हो सका है। ऐसे ही साल 1818 में डॉक्टर एंड्रयू यूरी ने कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए। यूरी ने 14 नवंबर साल 1818 के दिन एक एक्सपेरिमेंट किया था। उनका कहना था कि वो मरे हुए इंसान को इलेक्ट्रिक करंट के जरिए जिंदा कर सकते हैं। ये बात लोगों को काफी ज्यादा यूनिक लगी और काफी सारे लोग यहाँ इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए आए। यूरी ने एक डेड बॉडी की गर्दन के पीछे कट लगाकर बिजली के तारों को बैकबोन के जरिए जोड़ दिया और बॉडी के अंदर करंट छोड़ दिया। करंट छोड़ते ही बॉडी थोड़ा मूवमेंट करने लगी। इसे देखने के बाद यहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए, और इनमें कुछ लोग तो ऐसे थे जो इस नजारे को देखकर बेहोश ही हो गए। इसके बाद यूरी ने इस डेड बॉडी के लंग्स में करंट फ्लो किया ताकि वो डेड बॉडी सांस ले सके, और काफी हद तक यूरी अपने इस एक्सपेरिमेंट में सफल भी हो रहे थे, क्योंकि डेड बॉडी के लंग्स ने इनहेल और एक्सहेल करना शुरू कर दिया था। लेकिन एक लाश को जिंदा करना नामुमकिन है, वो लाश जिंदा नहीं हो सकी। यूरी ने इसका कारण बताया कि इस डेड बॉडी के अंदर खून की कमी थी जिसकी वजह से ये जिंदा नहीं हो सकी, और आज भी हमारे डॉक्टर यूरी के इस एक्सपेरिमेंट से सीखकर कई सारे पेशेंट की हार्ट बीट या दिल की धड़कन रुक जाने पर इलेक्ट्रिक थेरेपी का यूज करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक डॉक्टर थे जिनका नाम बेली था। उन्होंने भी कई सारी दवाइयां बनाई। वैसे तो बेली कोई प्रोफेशनल नहीं थे, लेकिन उनकी कई सारी दवाइयां काफी ज्यादा असरदार थी।
जिसकी वजह से उन्होंने अपनी दवाइयों के जरिए लोगों का विश्वास जीत लिया था। उनकी एक दवाई रेडिथोर, जिसका लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और इस दवाई के काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए थे। बेली ने बताया था कि बहुत कम क्वांटिटी में इस दवाई को लेने से हमें काफी ज्यादा बेनिफिट्स होंगे, लेकिन कभी भी बेली ने इस दवाई के साइड इफेक्ट के बारे में किसी को नहीं बताया था। ऐसे में एक शख्स जो ट्रेन में सफर करते हुए नीचे गिर जाता है और उसकी बाजू में चोट लग जाती है। अब अपने दर्द को कम करने के लिए वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे रेडिथोर सजेस्ट करते हैं। उसको दिन में एक चम्मच रेडिथोर लेने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसे रेडिथोर का टेस्ट इतना ज्यादा अच्छा लगा कि वो एक दिन में रेडिथोर की एक बोतल पीना शुरू कर देता है और कुछ दिन बाद उसे इस दवा की बुरी लत लग जाती है। वो एक एक दिन में दो दो बोतल रेडिथोर की पी जाया करता था और हद तो तब हो गई जब उसने एक साल बाद एक दिन के अंदर तीन बोतल रेडिथोर की पीना शुरू कर दी। और एक दिन ऐसा होता है कि अचानक उसके नीचे का जबड़ा उसके मुंह से हटकर नीचे गिर जाता है और उस वक्त उसकी नसों ने भी रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से जबड़ा नीचे गिरने पर उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के जरिए उसे नया जबड़ा लगा दिया था, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद उस शख्स की मौत हो जाती है। और जब उसकी बॉडी पर साल 1965 में एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो पता चलता है कि उसके मरने के 33 साल बाद भी उसकी बॉडी के अंदर रेडियम के थ्रेसिस मौजूद थे। इस घटना के बाद सरकार ने रेडिथोर मेडिसिन के ऊपर बैन लगा दिया था। इसके अलावा रेडियम का यूज फीमेल के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में भी किया जाता था। साल 1930 में एलेक्सिस मोसली ने स्किन टोन को इम्प्रूव करने के लिए थोरेडिया नाम का एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाया था, जिसके अंदर रेडियम की कुछ क्वांटिटी डाली गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो लोग शहरों में रहते हैं उन्हें ठीक से धूप नहीं मिल पाती है और इस वजह से उनका स्किन टोन खराब हो रहा है, और इसीलिए उन्होंने अपने ये प्रोडक्ट बनाए जिसे उन्होंने लिक्विड सनस्क्रीन लोशन के रूप में बेचना शुरू किया। इन प्रोडक्ट्स में कई सारी लिपस्टिक और क्रीम्स भी शामिल थीं। ये प्रोडक्ट महिलाओं को काफी ज्यादा पसंद आते थे, लेकिन इन प्रोडक्ट्स के साइड इफेक्ट क्या है इसके बारे में सभी महिलाएं बिल्कुल अनजान थी। और आज के समय में भी दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां रेडियम का यूज ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ब्यूटी और गुड लुक्स जैसे आज इम्पोर्टेंट है, वैसे ही पहले के जमाने में भी हुआ करता था। साल 1800 में भी आज की तरह ही ब्यूटी कॉन्टेस्ट आयोजित किए जाते थे, लेकिन उस टाइम के कॉम्पिटिशन आज के कॉम्पिटिशन से काफी ज्यादा डिफरेंट हुआ करते थे। इन कॉम्पिटिशन में फीमेल को अपनी पूरी बॉडी कवर करनी होती थी और सिर्फ आंखें खुली रखनी होती थी और उनकी आई ब्यूटी के बेस पर ही विनर घोषित किया जाता था। इसके अलावा साल 1867 से लेकर साल 1974 तक अमेरिका में कई सारे हिस्सों में एक अजीब कानून बनाया गया। इस कानून के अनुसार जो लोग बीमार और हैंडीकैप्ड हुआ करते थे वो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जा सकते थे, न ही किसी इंसान को नजर आ सकते थे। अगर कोई इंसान बीमार या हैंडीकैप्ड होता है तो वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था, और अगर वो बाहर किसी को दिखता तो उसके ऊपर $1 का फाइन लगाया जाता था। इसके अलावा पब्लिक प्लेस पर दिखाई देने पर उन्हें जेल की सजा भी दी जाती थी। इस कानून के अनुसार ऐसा लगता था जैसे बीमारियां या हैंडीकैप्ड होना कोई बहुत बड़ा जुर्म हो। पहले के जमाने में लोग मरने वालों का भी फोटो शूट करवाया करते थे। डेड बॉडी और पोस्टमार्टम फोटोग्राफी होने का चलन उस दौर में चल रहा था। मरने वाले लोगों का फोटो शूट करवा कर लोग अपने घरों या लॉकेट्स में लगाया करते थे। इसके अलावा अमीर लोग अपने गार्डन की सुंदरता बढ़ाने के लिए हर्मिट्स का यूज किया करते थे। हर्मिट्स उन लोगों को कहा जाता था जो एक अलग या स्पेशल तरह के कॉस्ट्यूम पहनकर सारा दिन गार्डन में स्टैचू की तरह खड़े या बैठे रहा करते थे। ऐसा ये लोग पैसों के खातिर किया करते थे, और अमीर लोग इन्हें सारा दिन पुतला बनाकर अपने गार्डन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए रखा करते थे। तो दोस्तों, ये थी कुछ इतिहास की अजीबोगरीब बातें जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। गुड बाय।